देखो अज दी इस वीडियो दे विच आपां गल करदे हां बेस्ट टैबलेट अंडर 10000 रुपए जिहड़े आपां नूं अंडर 10000 रुपए दे रेट दे विच मिल जांदे ने। हुण देखो जद वी आपां 10000 रुपए इक नवें टैबलेट दे उत्ते लाणा है ना, इक चीज दा ध्यान रखणा है कि उहदी बिल्ड क्वालिटी कैंड होनी चाहीदी है, क्योंकि टैब इक इहो जिही चीज है जिहड़ी आपां हैंड यूज करदे हां, ते जे उहदी बिल्ड क्वालिटी वधिया नहीं ना होगी उह छेती खराब हो सकदा, छेती टुट सकदा है। तां ही इही चीज दा ध्यान रखणा, तुहानूं अज दी इस वीडियो दे विच मेटल बॉडी वाले टैबलेट भी दसूंगा। सारिआं दी डिस्प्ले कैंड होगी, प्रोसैसर, बैटरी बैकअप ते इहनां दे जिहड़े एडिशनल फीचर्स ने ना, बिल्कुल निश्चिंत हो के बस तुसीं वीडियो देखो ते इह देखो कि 10000 रुपए दे रेट दे विच ना अपन सब तो टैबलेट बढ़िया केड़ा लगता है। अपनी वीडियो का सब तो पहला टैबलेट है नोकिया का, नोकिया T10 वाईफाई प्लस 4G टैबलेट है। 11000 रुपए का प्राइस है, प्लास्टिक की बैक मिल जाती है, ग्लास फ्रंट है। देखो नोकिया की जी बिल क्वालिटी है आप सबको पता है कि घंट होंगी है। 8 इंच की डिस्प्ले, IPS LCD, 1280x800 पिक्सल, 450 की ब्राइटनेस, वाइड 1L1 सपोर्ट के नाल ही, नैटफ्लिक्स HD सर्टिफाइड है। हूँ जो आपको प्रोसैसर दिता गया है यूनीसॉक T606, 8 कोर CPU है, रैम 3GB, स्टोरेज 32GB, तो यह जो मेन कैमरा वह आपको मिल जाता 8 मैगापिक्सल का बैक कैमरा, 2 मैगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। हूँ यह जो मेन कैमरा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1080p ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 720p। ਐਂਡਰੋਇਡ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਪਲੱਸ 4G ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਡੂਅਲ ਬੈਂਡ ਵਾਈਫਾਈ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.0 ਦੇ ਨਾਲ USB-C ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 10 ਵਾਟ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਕੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਮਾਈਕਰੋ SD ਕਾਰਡ ਸਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਪਡੇਟ। ਵਧੀਆ ਟੈਬਲੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੈਬਲੇਟ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰੋਲਾ ਦਾ, ਮੋਟਰੋਲਾ ਟੈਬ G20। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸੀ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 9200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ, HD+ IPS, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, 1280x800, 350 ਨਿਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਹੈ, ਮੀਡੀਆਟੈਕ P/T ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 8 ਕੋਰ CPU ਹੈ, 3GB RAM, 32GB ਸਟੋਰੇਜ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, 5 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ, 2 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1080p ਐਟ 30 FPS ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 720 ਐਟ 30 FPS। ਐਂਡਰੋਇਡ 11 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡਰੋਇਡ 12 ਤੱਕ। ਵਾਈਫਾਈ ਓਨਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, 5100 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਵੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। अगला टैबलेट आ गया लिनोवो का, लिनोवो टैब M10। देखो लिनोवो के जो टैब होंगे ने ना, उन्होंने वैसे क्वालिटी काफी वधिया होंगी है। टैबलेट की कैटेगरी के लिए लिनोवो एक बहुत वधिया ब्रांड है। 11000 रुपए का रेट हो गया, मेटल की बॉडी, 10.1 इंच की HD IPS डिस्प्ले, रेजोल्यूशन सेम है, 1280x800 पिक्सल, ब्राइटनेस 400 nits की होगी, TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले है। हूँ ये जो अपन प्रोसैसर दिता मैं ना बिल्कुल सेम है जो कि मोटोरोला के टैब मीडियाटेक हीलियो P22T, 8 कोर CPU है, 3GB RAM, 32GB स्टोरेज, एक्सपेंडेबल है 256GB तक, 8 मैगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मैगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। ये भी मेन कैमरा तो आप 1080p एट 30 FPS वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 10 दिता हुआ है, वाईफाई ओनली टैबलेट है, USB-C, 10 वाट का चार्जर आपको टैबलेट के लिए मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी कपैसिटी होगी, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, तो ये ही आपको मिल जाती है गूगल किट स्पेस। तो यह भी टैबलेट थोड़े लिए बहुत ही वधिया ऑप्शन है, लिनोवो का टैबलेट है, गो फॉर इट। बेस्ट स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈਗਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਟੈਬ A7 Lite। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਟੈਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਾਡੀ, 8.7 ਇੰਚ ਦੀ TFT LCD ਡਿਸਪਲੇ, 1340x800 ਪਿਕਸਲ, WXGA+ ਡਿਸਪਲੇ, 8 bit ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਨੋਵੋ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਲਾ, 3GB RAM, 32GB ਸਟੋਰੇਜ, 1 TB ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, 8 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ, 2 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ। ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 1080p ਐਟ 30 FPS ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਰੋਇਡ 11 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਫਾਈ ਪਲੱਸ 4G ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, USB-C 15 ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਅਡੈਪਟਿਵ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5100 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਗੀ, 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। अगला टैबलेट आ गया ओनर का, ओनर पैड X8, 10000 रुपए का रेट है, मेटल की बॉडी, 10.1 इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले, 8 bit डिस्प्ले है, 1920x1200 पिक्सल, 80% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, मीडियाटेक MT8786 प्रोसैसर दिता हुआ, G80, 8 कोर CPU है। देखो ये जी परफॉर्मेंस है ना वो सेम ही है ऑलमोस्ट जहाँ जी आपको मीडियाटेक हीलियो P/T प्रोसैसर के है जे हल तक आप देखे ने सारे प्रोसैसर बाकी टैबलेट्स के। 3GB RAM, 32GB स्टोरेज, एक्सपेंडेबल है 512GB तक, 5 मैगापिक्सल का बैक कैमरा, 2 मैगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मेन कैमरा तो आप 1080p एट 30 FPS वीडियोज रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड्रॉइड 12 हो गया, भी USB-C 10 वाट का चार्जर आपको टैबलेट के दिता हुआ है, 5100 mAh की बैटरी कपैसिटी मिल जाती है आपको, यह भी टैबलेट आप जरूर कंसीडर करना है। हूँ एक चीज है, कई लोग ना ओनर के ब्रांड को प्रैफर नहीं करते कि असं ओनर के प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, तो उस केस के ना रियलमी का पैड थोड़ा दसदा, रियलमी पैड मिनी जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग ना सब तो वधिया टैबलेट मैं कह सकता। 13000 रुपए का रेट है, बट टोटली वर्थ टैबलेट है। मेटल की बॉडी, 8.7 इंच की डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले, 8 bit सिनेमैटिक डिस्प्ले, 1340x800 पिक्सल,
यूनिसॉक T616 प्रोसेसर मिल जाता अपन 8-core CPU है भी। हम देखो हाले तक जिन्हें भी आप टैबलेट देखे ने इस वीडियो के लिए उन्होंने 3GB की रैम मिलती है, बट ए जी रैम है ना वो ज्यादा है, 4GB की रैम मिल जाती है। तो स्टोरेज भी डबल है बाकियों नालों, 64GB की स्टोरेज है। एक्सपेंडेबल 1TB तक इसकी स्टोरेज, 8MP का बैक कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, मेन कैमरा के आप 10 CPI 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड्रॉइड 11 दिता पे USB-C 18W का चार्जर अपन टैबलेट के नाल मिल जाएगा। 6400mAh की बैटरी कैपेसिटी होगी। रिवर्स चार्जिंग भी यह टैबलेट सपोर्ट करता, microSD कार्ड स्लॉट अपन मिल जाती है, तो यह भी टैबलेट आप जरूर कंसीडर करना है। सब बेस्ट पैलिंग थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। देखो सिंपल चीज है कि जो तुम 10,000 रुपए के बजट के ना कोई भी टैबलेट बाय करना है तो सारे थोड़ा मैं सब तो वधिया ऑप्शन दसते हैं। इन्होंने किसी भी टैबलेट बाय कर सकते हो, सारे के बेस्ट पैलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते हुए हैं। जो थोड़ा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उन्होंने कमेंट सैक्शन के मैंशन कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।